जी यहाँ थाने में आए हो रही ज्ञापन विद्या, क्या पूरा मामला? जिस तरह से आपने देखा होगा कल लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, नेतागण हैं, युवा नेतागण हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता के साथ में लाठीचार्ज किया गया, उसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। साथ ही साथ जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, योगी सरकार, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसी का एक नमूना हापुड़ जिले में भी देखा गया है। ये मेरे पास में एक पीड़ित परिवार खड़ा हुआ है, ये ब्राह्मण परिवार से हैं, इनके साथ में एक मारपीट हुई है, उनके परिवार को मारा गया, घर में घुस के मारा गया है, और कानून नाम की कोई चीज़ हापुड़ जिले में या कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाई है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई पुलिस वाला उनके घर तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, कागजी कार्रवाई के नाम पे थोड़ी सी मोटी कार्रवाई कर दी गई है, इसीलिए और समाजवादी के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम इकट्ठे होकर चाहते हैं कि इनके ऊपर जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है, जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर हमें उम्मीद है जिस तरह का आज मानसिकता बदल चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण दिखाई दे उसका इलाज वहीं किया जा रहा है, जिस तरह से किया जा सकता हो, एक सुनियोजित तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में एक विधवा औरत है जिनके पति नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके बच्चे को भी पीटा गया, खुद को भी पीटा गया, उनकी बिटिया है। अच्छा, क्या कारण है इनके साथ जो ये मामला हुआ? मैं आप खुद देख लीजिए, जंगल राज हुआ पड़ा है इस समय उत्तर प्रदेश में, जंगल राज है, किसी तरह कानून व्यवस्था कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है हिंदुस्तान में, इसमें उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सुबह उठो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई का कोई चीज़ नहीं है, आप सब खुद देख सकते हैं, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा हिंदुस्तान में ये है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान।